सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा पहली विषय है आपका हिंदी और आज जो आपका पाठ है वह है पाठ 12, सुंदर कैसे बने। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें बच्चों को बताया गया है कि आपने अपने जीवन में अच्छी अच्छी आदतों को किस तरह से अपनाना है और अपने जीवन में स्वस्थ किस तरह से रहना है। तो चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है करण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और मेज पर रखा नाश्ता उसका इंतजार कर रहा है। करण जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। जैसे ही करण ने सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे ही सैंडविच से आवाज आई, छी छी, जूते पहनने के बाद हाथ भी नहीं धोए। किसने बोला? सैंडविच ने। इसमें छी छी की क्या बात है? किसने बोला? यह बच्चे ने बोला, करण ने। ठीक है, हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ? करण बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं बिना हाथ धोए खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। यह सुनते ही करण डर गया। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, और वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। तभी टोकरी में से उछलते हुए सेब बोला, करण अब जरा अपने नाखून तो दिखाओ। करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। तो चहकते हुए का क्या अर्थ होता है? खुश होते हुए। ठीक है, तो उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो कटे हुए साफ नाखून देखकर सेब ने आवाज आई सेब से, अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं। हाँ, माँ कहती हैं बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है जो भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए नाखून बढ़ जाने पर मैं तुरंत कटवा लेता हूँ। तो कीटाणु का क्या अर्थ होता है? रोगाणु। क्या अर्थ होता है कीटाणु का? रोगाणु। इसलिए नाखून बढ़ जाने पर हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे हाथ और पाँव के जो नाखून होते हैं उनको हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और छोटा रखना चाहिए। तभी रसोई से माँ की आवाज़ आई, करण जल्दी नाश्ता करो, स्कूल की बस आती ही होगी। अच्छा दोस्तों, कल मिलेंगे। यह किसने बोला? करण ने बोला। वह उनसे बात कर रहा था। कौन थे उसके दोस्त जो वहाँ खाना रखा हुआ था? तो अब मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, बाय करते हुए करण बोला। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को हमेशा कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए? जब भी हमें खाना खाना है तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को क्या करना चाहिए? अच्छे से साफ रखना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपना जो भी हमारा सामान है उसको सही जगह पर रखना है। और खाने की जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमने खाने का सामान खाने के लिए यूज़ करना है उसको हमें हमेशा क्या करना चाहिए? धोकर ही खाना चाहिए। फल फ्रूट जो भी है उनको हमें साफ सुथरे और धोकर ही खाना चाहिए, तभी हम क्या बन सकते हैं? सुंदर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर की हमेशा क्या रखनी चाहिए? सफाई रखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह था आपका पाठ सुंदर कैसे बने। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो शिक्षा दी गई है उससे को आपने अपने जीवन में उतारना है। धन्यवाद।